एक पूरी सदी से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद अयोध्या विवाद एक ऐसा मसला है जो फिलहाल सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदुओं के पक्ष के मुताबिक राम जन्मभूमि पर 1528 में मस्जिद बनाई गई। अयोध्या में 1853 में ऐसा पहली बार हुआ जब अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए। कुछ सालों बाद 1859 में इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन शासक ने विवादित जगह को चारों तरफ से घेर दिया और स्थल को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसके बाद दोनों समुदाय परिसर में इबादत और पूजा करने लगे। पहली बार 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुबरदास ने याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मांग की कि यहां मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन तत्कालीन जज ने इसे खारिज कर दिया। राम मंदिर विवाद में अहम मोड़ 23 दिसंबर 1949 को आया और इसके बाद से विवाद गहरा होता चला गया। मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां मिलने पर हिंदुओं में मंदिर बनाने की इच्छा प्रबल हुई। हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम वहां प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों का कहना था कि छिपकर ये मूर्तियां वहां रख दी गईं। अयोध्या को राम की जन्मभूमि मानी जाती है। अयोध्या में भी सिर्फ एक जगह है जिसको शताब्दियों से जन्मभूमि माना जाता है, वहां मंदिर बनते रहे हैं, इसके प्रमाण बहुत हैं। पुरातत्व के तो प्रमाण ही हैं, अभिलेखों के प्रमाण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो जाते हैं, गुप्त काल से शुरू हो जाते हैं। अब बहुत फेमस है रीवा का अभिलेख है, वो बहुत फेमस है। और एक्चुअली कोई भी स्ट्रक्चर हमेशा के लिए नहीं होता, वो गिरता है, रिपेयर होता है, बनाया जाता है, पुनर्निर्माण होता है। कोई आप मकान बनाइए तो ऐसा नहीं है कि वो 1000 साल चलेगा। इसी तरह से क्या होता है कि जब बाबरी मस्जिद के बारे में वहाँ लिखा हुआ था, बाबरी मस्जिद का जो इंस्क्रिप्शन था कि इस जगह पे तामीर करवाई गई ये मस्जिद मीर बाकी द्वारा, लेकिन जब मस्जिद तोड़ी गई तो वहीं से एक अभिलेख निकला जो 11वीं शताब्दी का है, जिस गढ़वालों के राजाओं का, गढ़वाल के राजा ने वो मंदिर बहुत भव्य मंदिर बनाया। और उसमें ये भी लिखा है उसी में कि पश्चिम से यवनों का और तुर्कों का आक्रमण देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अब वो इंस्क्रिप्शन 11वीं शताब्दी का है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप 11वीं शताब्दी कोई ले जाके बना लेंगे। उससे ये बड़ा साफ साबित होता है कि मंदिर था वहाँ पे। जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता गया वैसे वैसे सभी पक्ष अपनी तरफ से इसे पाने की कोशिश में जुट गए। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए बाकायदा एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी। कोर्ट के आदेश पर ताले दोबारा खोले गए। इससे नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। जून 1989 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। वहीं 9 नवंबर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। इसके बाद 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि अपने अधिकार में ले ली। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। और इसको जरा अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाइए, अकबर के ज़माने में हिंदुओं ने क्लेम किया, क्योंकि हुमायूं का काल तो बहुत छोटा सा था बाबर के ज़माने के बाद, अकबर ने वहाँ एक चबूतरा बनवाया मस्जिद के प्रांगण में, सीता की रसोई कहलाने के नाम से। तो अकबर तक ने इस बात को माना कि हाँ यहाँ मंदिर था, और इसीलिए सीता की रसोई के नाम से इजाज़त दे दी वहाँ पूजा करने की। बाद में 1834 में बहुत दंगे हुए, वाजिद अली शाह के ज़माने में दंगे हुए, यहाँ तक कि मराठों और वाजिद अली शाह के बीच में एक संधि हुई थी कि अगर वाजिद अली शाह जीत जाते हैं तो अयोध्या, चूँकि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हो रही थी मराठों ने वाजिद अली शाह का, तो वो लड़ाई में साथ देने की एक बहुत बड़ी ये थी कि अगर वाजिद अली शाह मराठे जीत जाते हैं तो बाबरी मस्जिद सौंप दी जाएगी हिंदुओं को, जिससे वो मंदिर का निर्माण कर सकें।
ये वाजिद अली शाह के ज़माने की बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद तो 1934 में फिर दंगे हुए थे, जिसमें जो मीनारें थी चारों, वो चारों मीनारें टूट गई थी। बाबरी मस्जिद को बहुत छत पहुँची थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे रिपेयर कराया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि कितना पैसा खर्च हुआ, कितने हज़ार रुपये खर्च हुए, कितने आनापाई खर्च हुआ, कितना टाइम लगा, वो रिपेयर हुआ, सब रिपेयर हुआ। तो ये 1948 के बाद से और समस्याएं बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बाबरी मस्जिद को तोड़ने की साजिश के आरोप में बीजेपी के 13 नेताओं पर केस चलाने का आदेश दिया। इसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में लखनऊ और रायबरेली की अदालतों में ये मुकदमे अब एक साथ चलेंगे। इस मामले में सीबीआई ने आडवाणी और 20 अन्य के खिलाफ धारा 153A, 153B, 505 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इन लोगों पर धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का भी आरोप लगाया गया था, जिसे सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हटा दिया था। इसका अलावा हाईकोर्ट ने भी समर्थन किया था। इनमें से कई मुकदमे लखनऊ और रायबरेली में चल रहे हैं। 49 में तो केवल मूर्तियां रखी गई, फिर उसके बाद वो सब शांत हो गया। वहां एक बड़ा गेट लग गया, ताला लग गया। लेकिन 1986 में, संभवतः 6 फरवरी 1986 को, राजीव गांधी के इशारे पर, उस समय के प्रधानमंत्री के इशारे पर वो ताला खुल गया। ताला खुला और मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है वो फिर से पैदा हो गया। उसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद मंदिर का आंदोलन भी शुरू कर चुकी थी। तो ये विवाद चलता रहा। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों की करीब 6 राउंड बातचीत हुई। 6 राउंड मुसलमान नेता ये कहते थे कि अगर आप इस बात का सबूत दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए कि वहां मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। अब प्रमाण की कमी नहीं है, ये प्रमाण अब आ गया है, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण आ गया। बाबरी मस्जिद गिरने के 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहन आयोग का गठन किया गया। लिब्रहन आयोग को 16 मार्च 1993 को, यानी 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन आयोग को रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट आपसी सहमति से मामला सुलझाने को भी कह चुका है, लेकिन इस पर अभी तक दोनों समुदाय में कोई सहमति नहीं बन सकी है।